अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रमीज़ खान हूँ और आप देख रहे हैं द रमीज़ खान शो। सो गाइस, बहुत टाइम के बाद आज मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। सो मैंने सोचा बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया, सो आज मैं घर पे हूँ। सो आज घर के ही मैं काम करूँगा। सो क्या कुछ खास करूँगा घर पे आज संडे के, वो मैं सारा कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन आपको बिल्कुल वीडियो को साफ बने रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी आज नाशपाती भी उतारनी है, क्योंकि यहाँ पे तोते जो हैं और चिड़िया वगैरह हैं, कौवे वगैरह हैं, पागल हो चुके हैं नाशपाती को देखते देखते। सो इसलिए आज उन्हें भी उतारना है। और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं घर पे, उन्हें प्रेस भी करना है और कुछ मस्जिद का भी काम है। सो पूरा आज कैप्चर करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा मिक्स करके, ताकि व्लाग अच्छा बने, क्योंकि बहुत टाइम के व्लाग आ रहा है। सो आपको आना चाहिए मज़ा, फिर ताकि मुझे भी मज़ा आए। सो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि 1 मिनट का काम ना हुआ है। सो आज संडे तो मैं थोड़ा लेट तक सोया हूँ। सो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, नहाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ चाय पे। सो चलते हैं फिर। ये देखो आज की सुबह, प्यारी प्यारी सुबह है। ओह, लेकिन अभी तक ये जो बंद है, क्योंकि मम्मी पापा गए हैं कल से बड़ी दीदी के घर। सो यहाँ पे मैं और तब्बू मौजूद हैं। सो इसलिए मम्मी तो खुद तब्बू प्रेस कर, लेकिन तब्बू कुछ टाइम से थोड़ा बहुत बीमार है। सो इसलिए मैं खुद करने जा रहा हूँ आज के काम। सो हमारी पार्क देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब पार्क, क्योंकि मम्मी पापा ने काफ़ी इसे प्यारा बनाया है, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे अपना गुजारते हैं इसको ठीक करने में। सो इसलिए आज मैं थोड़ा बहुत घास भी काटने जा रहा हूँ पार्क में, क्योंकि आज घर पे हैं तो घर के काम लाजमी तौर करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं, ठीक है। ये देखो जी हमारे फूल, इनको भी पानी डालना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, यानी नहाने के लिए। चलो ये देखिए जी, ये हमने खीरे के कुछ यहाँ पे पौधे लगाए थे, लेकिन खीरा वीरा तो कुछ भी यहाँ पे इस बार तो नहीं होने, जाने क्यों। यानी जो हमारा होम स्वीट होम, वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मेरे पीछे वाला दांत आ रहा है, लेकिन बैड न्यूज ये है कि वो इतना कम वक्त वाला दांत है कि जैसे वो मेरे मुंह से पीछे से जब से आया है 10 दिन से, मेरे मुंह का बड़ा बुरा हाल है। कभी टैबलेट नहीं खाई मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। अब हमें बात भी थोड़ी ठीक ठाक कर रहा हूँ, पहले तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, यानी इतना बुरा हाल हुआ था मेरे जबड़ों में। जबड़े टोटली खुले नहीं रहते, लेकिन फिर बुनियाद हॉस्पिटल गया मैं, तो वहाँ से टैबलेट वगैरह। मैंने सोचा अगर फिर भी आराम नहीं आया तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला ही जाना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क हो चुका है। सो मैंने चाहा, बहुत दिन से भी व्लॉग नहीं आया, असल में व्लॉग बनाने का आज इसलिए भी मूड आ गया, क्योंकि मैं अभी तक सोया तो मैं ख्वाब में व्लॉग ही देख रहा था कि मैं एक कज़न की शादी पे गया हूँ और मैं वहाँ पे व्लॉग बना, तो मेरा मूड बन गया। मैं सोचा यार बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया, सो बनाते हैं आज व्लॉग, आज करते हैं अपने फैंस को खुश। सो इसलिए आपके लिए लाया हमें व्लॉग, बस देखते रहें, स्किप नहीं करना और मेरा भरपूर साथ देना, क्योंकि आप साथ हैं तो अलग ही मजा है फिर व्लॉग करने का। थैंक यू, मिलते हैं आफ्टर नहाने के बाद। मैं थोड़ा बहुत रोटी लेके आया हूँ, रोटी थी खत्म था, तो मैं वो भी दिखाऊंगा खत्म कैसे चाय में डालते हैं और कैसे उसका चाय पीते हैं। एक मैंने सोचा थोड़ी बहुत रोटी जम चाहिए, क्योंकि आज घर पर नहीं बनेगी रोटी, तो मैं मार्केट से रोटी ले आया। तो अब चाय पीते हैं और सुबह क्या कुछ काम है घर का वो फिनिश कर देते हैं, तो कम्प्लीट करते हैं अपना व्लॉग। ये देखिए चलते चलते क्या मिल गया,
इसे हम बोलते हैं कई गांव, लेकिन ये है रास्ते में इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा। सो गाइज ये हैं हमारे लवास, ये हैं हमारे लवास, ये हैं हमारे गिरदे, और ये है बागरखाने, और ये है एक ख़ास चीज़ जिसको कहते हैं सतू। ये बनते हैं जो मक्की का आटा होता है उसको बनाए जाते हैं सतू, लेकिन इसमें पड़ना चाहिए डालटा वगैरह, लेकिन डालटा तो था नहीं तो उसमें मैंने थोड़ा सा दारा तेल डाला, लेकिन अगर डालटा होता तो उसमें और ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये। सो बहरहाल ये है मेरी चाय, चाय पीते हैं उसके बाद हम उतारते हैं नाशपाती। लगाने में मज़ा आता है, बिस्तरा बिछाने में जितना मज़ा आता है इंसान, क्योंकि उस टाइम सोना होता है, इंसान सोचता है कब बिस्तरा इंसान बिछाए और सो जाए, लेकिन जब सुबह का टाइम आता है तो बिस्तरा जब उठाने का टाइम होता है तो बड़ा मूड ख़राब होता है, क्योंकि उठाने में बिल्कुल भी मैं दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे ख्याल से बिस्तरा डाल के ही होना चाहिए जब इंसान आए और बिस्तर में घुस जाए, लेकिन बहरहाल बिस्तर उठाना पड़ता है क्योंकि मेन रूम है, कोई भी आ सकता है। सो मैं बिस्तरा उठा लेता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इन सभी को मुझे प्रेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह के पास 10-15 मिनट का काम है, इनको बहुत जल्दी प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद हम उतारते हैं नाशपाती, जैसे कि मैंने सुबह आपसे कहा था। सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली कर रहा हूँ मैं प्रेस, मम्मी के कपड़ों को कर रहा हूँ, और देख सकते हैं अभी भी थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए तो मेरे और पापा के कपड़े हैं। सो इनको मैं फटाफट प्रेस कर देता हूँ जल्दी जल्दी और अपना काम ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा काम है थोड़ा कम। लेकिन मैं यही कहूँगा जब भी आप प्रेस करते हैं कोशिश यही करें एक स्टैंड बनाने की प्रेस के लिए, हाइट में कम से कम तीन एक फुट का तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाइट उसकी होनी चाहिए 3-1 फुट, तो उस पर प्रेस करें ताकि जितना आप खड़ा प्रेस करेंगे आपकी कमर उतनी ठीक उतनी स्ट्रेट रहेगी, जितना आप बैठ के प्रेस करते हैं तो आपकी कमर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे। तो जिन्हें भी डिस्क वगैरह होते हैं तो वो बैठ के अवॉइड करें प्रेस करना, बिल्कुल अवॉइड करें, करनी ही नहीं है प्रेस अगर आपको डिस्क वगैरह है तो। पहले तो कोशिश करें हर घर में एक ऐसा स्टैंड बनाएं 3-1 फुट वाला लेंथ होनी चाहिए, और ब्रेड्थ आपकी मर्जी है फिर कितना उसको रखें, 3 फुट रखें कितना रखें, ताकि ऐसे प्रेस करने वाले को आसानी हो जाएगी, उसकी कमर बच जाएगी, क्योंकि अगर आप में प्रॉब्लम है डिस्क वगैरह तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करें ये काम। बाकी प्रेस करने के बाद नाशपाती उतारता हूँ मैं, फिर और क्या होगा वो भी, क्योंकि संडे पूरा भरपूर काम करना है। ठीक है, ये जी होगी प्रेस। अभी इतने कपड़े और बाकी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी मैं सब कपड़ों को ख़त्म प्रेस कर देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, प्रेस करते करते एक बात तो है, जो लोग भी प्रेस कर रहे होंगे ना, मतलब जो आयरन करते हैं कपड़ों को, एक बात तो पक्की है, वो जब भी प्रेस करते होंगे ना अपने आप को ज़रूर गालियाँ देते होंगे, यार किस मुसीबत को फंस गए यार, यानी पक्का रोते होंगे प्रेस करते करते, यानी लास्ट कपड़े तक वो रोते होंगे, जब लास्ट का बच जाता होगा कपड़ा रह जाता होगा कहते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ख़त्म हो गए कपड़े, क्योंकि वाकई में जो प्रेस करते करते कपड़ों को मतलब कमर का बुरा हाल हो जाता है, अगर स्टैंड होगा तो इतना बुरा हाल नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठे बड़ा बुरा हाल हो जाता है। सो मुझे यकीन है जो भी प्रेस करता होगा ऐसे कपड़ों को, जितने भी लोग होंगे मेरी वीडियो को जो देख रहे होंगे, यानी सच्ची में वो पक्का रोते होंगे दिल में प्रेस करते करते, किस मुसीबत को फंस गए यार ये कपड़े, एक तो दो प्लस पे प्रेस करो। ज़रूर कमेंट करना अगर ये आपके साथ ऐसा होता है तो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, अब मैं उतारने जा रहा हूँ नाशपाती, जो कि बहुत दिन से दख पे पड़े पड़े चिड़ियाँ खा रही हैं और तोते खा रहे हैं। सो अब मैं इन्हें उतारता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कैसे उतारते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे नाशपाती, इनको मैं अब उतारूँगा। थोड़े से तो मैंने उतार लिए, लेकिन अभी और उतारने बाकी हैं जो साइड साइड में है। ये नाशपाती मैंने उतार लिए, सो आधे मैंने ढक पैसे रखे हैं क्योंकि थोड़े जब तक पकते रहेंगे साथ में थोड़े थोड़े खाते रहेंगे। फिलहाल ये है नाशपाती उतार दी है। अब इसको रखता हूँ मैं कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पे साया ज़्यादा होगा ताकि जल्दी पके ना ये। बाकी ये देख सकते हैं आप, ये बाकी मौजूद है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर अगर आप नए हैं चैनल में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।